जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए ले आए हैं एक नई जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये दोस्तों फ्लाप है, फ्लाप के ऊपर हम एक बोन बना रहे हैं। बोन बना के इस तरीके से हम रख लिए, फ्लाप पहले बना के रख लिए थे। फिर इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि बहुत आसान तरीके से गुम, चारों मार्जिन गुम होगा इसमें। दूसरा बोन बना के हम रख लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आप मार्का दे लीजिए। मार्का लगाने के बाद इस तरीके से आप पहले लाइनिंग को पैच कर लीजिए, एक सीधी सिलाई से पैच करने के बाद। दोस्तों ये ऐसा होगा कि पूरी मार्जिन एकदम गुम रहेगा, कहीं मार्जिन ओपन नहीं रहेगा। ये कभी कभी क्या होता है कि बायरों की ज़्यादा ही डिमांड होती है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए फ्लाप को जहाँ से स्टिच किए हैं पलटने के बाद इस तरीके से आपको स्टिच करना है। फ्लाप को इस तरीके से रखें कि बोन नीचे रहे और फ्लाप ऊपर रहे, और 1 mm फ्लाप की इधर, 1 mm उधर आपको इस तरीके से सिलाई कर देनी है। फिर आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से जो दूसरा वाला बोन है, जो फेसिंग का बोन है, इस तरीके से रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए इस तरीके से आप थोड़ा यहाँ स्लो मशीन चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि साइड वाला जो मार्जिन होता है, ऊपर का जो मार्जिन होता है, वो थोड़ा बोट चलने में दिक्कत होगा। हो सकता है आप यहाँ सीएल का लगा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से आप कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद इस तरीके से कोना एकदम बारीकी से आपको कट लगाना पड़ेगा। अगर आप बारीकी से नहीं लगा रहे हैं, यहाँ आप कटर का भी यूज कर सकते हैं। बारीकी से लगाने से ये होगा कि आपका जो, जब ये बोन पलटेगा तो पलटने से आपका ये जो है नोच नहीं आएगा। तो कट लगाने के बाद इस तरीके से आप पलट लें। पलटने के बाद इस तरीके से पलटें, आप पलट लें। पलटने के बाद इस तरीके से आप थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से दोनों हाथों से कर लें। करने के बाद ये फ्लाप आप ऊपर कर दें, और फिर इस तरीके से आप इसको पलट के पलटिए। इस तरीके से देखिए, ज़रा इस तरीके से आप टांकी लगा दीजिए। हल्का फुल्का आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से खींच खांच के आप सेटिंग करके दोनों तरफ टांकी लगा दीजिए। टांकी लगाने के इस तरीके से दोनों टांकी लगा दीजिए। टांकी लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से रखिए आप ये फेसिंग को, जो बैक के नीचे की जो फेसिंग है उसको फिनिश कर लीजिए। इस तरीके से पलट के एक ही लब की सिलाई में इसको फिनिश कर लीजिए। इस तरीके से फिनिश करने के बाद अब आप इसको सीधे की तरफ टर्न कीजिए। बैक को सीधे की तरफ टर्न करने के बाद इस तरीके से सीधे कीजिए, सीधे की तरफ टर्न कर लिए। इसके बाद जो सेल का फैब्रिक है, जो बाहरी फैब्रिक है, उस फैब्रिक को इस तरीके से रखिए, इस तरीके से ऊपर की तरफ से। मार्जिन आप इतना लें कि पलटने के बाद वो एक ही पैर बचे। इस तरीके से, इस तरीके से आप चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आप सिलाई लगाइए। दोस्तों ये है हमारा कट पॉकेट। इस तरीके से कट पॉकेट का बैग बहुत आसानी से बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी मार्जिन हो, ऑल मार्जिन जो होते हैं, सब गुम हो जाते हैं। बाहर मार्जिन का कोई चांस नहीं रहता। इसकी फिनिशिंग बढ़िया होती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। इस तरीके से दोस्तों हल्का सा छांट लीजिए अगर ज़रूरत हो तो, जिस तरीके से आपको मार्जिन चाहिए। आप चाहें तो इसमें एच कटर भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप पलटिए। पलटने के बाद थोड़ा सा जो चारों नोक है, चलिए इस तरीके से आप नोक को इस तरीके से निकालिए। इस तरीके से अगर इस तरीके से सही नोक निकल रहा है, एकदम सेफ निकल रहा है, तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। नहीं तो आप निडिल का भी यूज कर सकते हैं। ये निडिल, इस तरीके से निडिल लीजिए। इस तरीके से आप नोक आप निकाल सकते हैं। नोक निकालने के बाद इस तरीके से आप इस तरीके से एक फ्रेंच सीम ही इसको बोल सकते हैं आप, या पैर की सिलाई भी बोल सकते हैं, जो हमारे टेलर भाषा में होता है। इस तरीके से आप पैर की सिलाई लगाते हुए चलिए। इस तरीके से नोक कहीं अगर नहीं निकला हो तो दोबारा निकाल सकते हैं। इस तरीके से पैर की सिलाई लगाते हुए निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए
इस तरीके से आप इस तरीके से चारों तरफ जो हमारी है ना एक बराबर गुम हो गया। अब बैग हमारा रेडी हो गया दोस्तों, इस तरीके से देखिए। वीडियो और दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।